Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे. तो उसके लिए आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ. आज की रीडिंग सिर्फ कैंडल वैक्स होने वाली है. इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या जज्बात हैं, वो क्या आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये पिंक कलर की कैंडल है और एक ये ग्रीन कलर की कैंडल है. पिंक कलर की कैंडल विल बी पाइल नंबर 1 एंड ग्रीन कलर की कैंडल विल बी पाइल नंबर 2. तो आप अपनी आइज क्लोज कीजिए, दोनों कैंडल्स के ऊपर फोकस कीजिए. जो भी कैंडल आंख बंद करके आपको दिखाई देती है, उस कैंडल की जो पाइल है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं रोज अपनी पेगा कार्ड रीडिंग में या फिर कलेक्टिव रीडिंग में एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. आज भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो रैंडमली मैं एक क्वेश्चन पिक करती हूँ. तो आज भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी. पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ. आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो देखते हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 ये पिंक कलर की कैंडल चूज की है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है. डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक पहुंच सके. लेट मी लेट अप द कैंडल, मैं कैंडल जला लेती हूँ. तब तक आप प्रे कीजिए डिवाइन के साथ कि आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो आपको क्लियरली समझ आ सके, कनेक्शन बन सके. ओके, सो लेट सी. ओके, आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी में यहां पर मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं. बहुत ही ज्यादा फिकल माइंडेड आपके पार्टनर मुझे यहां पर लग रहे हैं. वो बहुत कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत चीजों के बारे में वो एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं. आपके पार्टनर का मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और जनरली ये जो फ्लक्चुएशन है ये फुल मून नो मून के टाइम पर ज्यादा होती है. उस टाइम पर उनका जो मूड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. वो जिस भी जोन में होते हैं वो जोन से कम्प्लीटली आउट हो जाते हैं. अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उस जोन में आकर वो आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं. बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर उन्हें डिसीजन बनाना आता ही नहीं है. ओके, आपके पार्टनर अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कुछ जरूर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जीज में नहीं है. इस चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है, इस वजह से वो बहुत डीप अंदर कहीं ना कहीं सैड भी हैं. देखिए फ्लेम कितनी कम हो गई है, वो डीप अंदर कहीं ना कहीं सैड हैं. आपके पार्टनर अपने जज्बातों को बाहर दिखा नहीं रहे हैं, वो अपने जज्बातों को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं. आपके पार्टनर एफर्ट लगा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ना उन्हें ये खुद पता लग रहा है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं. यहां पर आपके पार्टनर आउट ऑफ कम्युनिकेशन आपसे नजर आ रहे हैं. शायद वो अपनी बातों को क्लियरली आप तक रख ही नहीं पाते हैं. अगर आपके साथ वो रह भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने जज्बात आपके सामने खुलकर रख ही नहीं पा रहे. वो फील क्या करते हैं वो क्लियरली आपसे कह ही नहीं पा रहे हैं. यहां पर मुझे आप ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे आपको या फिर किसी भी तरीके से अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे, ऐसा नजर नहीं आ रहा है. क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप यहां पर मुझे स्टैंड स्टिल नजर आ रहा है, जहां है वहीं अटका रहेगा, इस तरह से नजर आ रहा है. यहां पर कम्युनिकेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा. आपके पार्टनर अपने लेवल पर कोशिश करेंगे लेकिन जब तक वो आपके साथ कम्युनिकेशन बनाने की इच्छा रखें या फिर ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के एफर्ट्स लगाएं, वहां तक आते आते आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो जाएगी.
और ये सब कुछ क्यों हो रहा है देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स है और ये थर्ड पार्टी कोई घर का पर्सन थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रहा है जिसकी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स है। और जो चीजें पहले आपके पार्टनर को बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी वो चीजें आज उन्हें बहुत मैटर करती हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर ये चीजें सोच रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, समाज उनके बारे में क्या सोचेगा। जिन चीजों पर कभी आपके पार्टनर का फोकस ही नहीं गया वहां पर आज आपके पार्टनर अपनी बातों को सोच रहे हैं। वो अपनों की सपोर्ट चाहते हैं, वो अगर ये रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं तो अपनों के साथ, मतलब उनकी सहमति से बनाना चाहते हैं। वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर कोई स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी के अंदर दबते जा रहे हैं। वो शायद किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी का शिकार हो रहे हैं और जहां पर वो ये रिलेशनशिप के लिए ना तो स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिशें करते हैं वो अपने लेवल पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और तब भी आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तब भी आपके पार्टनर कोई खुलकर आपके सामने अपने जज्बात नहीं रखेंगे, ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उनके आसपास की एनर्जी ऐसी है, शायद जब वो आपसे कोई बात करें, वैसे तो यहाँ कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, अगर बाय चांस अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो वो आपको ब्लेम करेंगे। यहाँ पर आपको ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर अभी इफेक्टिव डिसीजन बनाने वाली एनर्जी के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने एफर्ट्स को 100% मान रहे हैं, वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिसे वो 100% मान रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कम एफर्ट है जो वो लगाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो उनके जज्बात हैं, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पूरे कोशिश में है कि वो अपनी बात कह दे। जैसे ही वो इस जोन में आएंगे ना कि आपसे एक कनेक्शन बनाना है उन्हें, वही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्शन बना नहीं पाएंगे। या तो इस थर्ड पार्टी की कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग इन्वॉल्व होगी, या फिर आपके पार्टनर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देने वाले हैं, वो ईगोइस्टिक बिहेवियर होगा, क्योंकि उन्हें रियलाइज करवाया जाएगा कि अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की या आपसे कोई दूरियां बनाई हैं तो आपने भी तो कोई एफर्ट नहीं डाला है। इस तरह से आपके खिलाफ कोई चीज होने वाली है, आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़काया जा सकता है। इस तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर को अपनों की सपोर्ट यहाँ पर बहुत मैटर करती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली थर्ड पार्टी है तो कोई कास्ट का इशू हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इशू हो सकता है जहाँ पर फैमिली बिल्कुल भी आप दोनों के रिश्ते को लेकर एग्री नहीं करेगी। ऐसा कुछ इशू चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर जो है वो प्रेशराइज हो रहे हैं, सिचुएशनल चीजें ऐसी बन रही हैं और आपके पार्टनर आपको बता भी नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी एक उन्होंने चुप्पी बनाई हुई है, ना तो आपको खोना चाहते हैं ना आपको एक क्लियर कमिटमेंट दे रहे हैं। और जब बात होती है या बात करने की अगर वो कोशिश करेंगे भी यहाँ पर, तो वो आपको ही ब्लेम करेंगे, वो अपनी सिचुएशन के बारे में आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर अपने तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे बट उनके बस की बात नहीं है, वो चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपके पार्टनर कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग कुछ कनेक्शन बनाते हुए या अपने जज्बात कहते हुए आपको, बहुत कम लोग हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों में से अगर आप
बात करें तो शायद 1-2% लोग होंगे जिनको अपने पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, लेकिन उसमें भी रैंडमली एक ही चीज होगी कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। वो आपको हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल खड़ा करेंगे। और अगर आप इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर से डायरेक्टली कुछ भी बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो ये चीज तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज के लिए देखा है कि जब आप को पता लगता है, रीडिंग से पता लगता है, तो आप डायरेक्टली अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। वहां पर आप अपना रिश्ता कमजोर कर रहे होते हैं। आपको ये चीजें डिस्कस नहीं करनी होती हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर की वैसी एनर्जी नहीं है जहां पर वो आपकी बातों को क्लियरली समझ पाए। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ मिसअंडरस्टूड एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पार्टनर एक ही चीज पे स्टक कर जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा अगर आपकी बात होती है। आपके पार्टनर जब आपको ब्लेम करेंगे तो उनकी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप उस बात से एक बात को भाप जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये किसी इन्फ्लुएंस में या किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर सकेंगे यहाँ पर। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियो में मैंने गाइडेंस दी है कि क्यों आपके पार्टनर ब्लॉक्ड एनर्जीज के अंदर हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रहा है कि ये वो उन लोगों के लिए है जहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका किसी भी तरीके का कोई आपने एफर्ट नहीं लगाया, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां की ये बात हो रही है। ये उन लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कैंडल वैक्स रीडिंग में। आपके पार्टनर अपने जो उन्होंने डिसीजन बनाया होगा या फिर जो उनके अंदर चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता लगने देंगे। ये भी बात है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाने वाले हैं, ये एनर्जी भी यहां पर नजर आ रही है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता नजर नहीं आ रहा है। 1-2% लोग होंगे जहां कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, वो भी एक टेम्परेरी कम्युनिकेशन होगा। वहां पर भी कोई जज्बात सामने नहीं रखे जाएंगे, वहां पर भी एक ब्लेमिंग गेम चलने वाली है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आप लोगों के कुछ फेवर में नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर किसी एक ऐसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी एनर्जी में इतनी बुरी तरह से ट्रैप्ड है कि वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, पर आपके पार्टनर मुझे आपको स्टॉक करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, डेफिनेटली आपको स्टॉक करेंगे। ये एनर्जी जरूर यहां पर नजर आ रही है। आप कब ऑनलाइन है, आप कब ऑफलाइन है, ये चीजें जरूर आपके पार्टनर देखेंगे। आप अपने स्टेटस में क्या डाल रहे हैं, ये चीज आपके पार्टनर जज करने वाले। आपको दूर से खड़े होकर यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे जज करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक्शन लेते हुए या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। पॉजिटिव एनर्जी से नहीं होता है, उन्हें आपसे बात करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा। उस एनर्जी में आपके पार्टनर बिल्कुल भी यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। वो चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो अपने आप से, अपनी सिचुएशन से फाइट करने की कोशिश करेंगे। किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन जो कि आपकी फेवर में हो, ऐसा बनता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 बार चेक कर लिया है, कुछ ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये रिलेशनशिप जहां पर स्टैंड स्टिल है, ये वहीं पर स्टैंड स्टिल रहने वाला है। इस तरह की एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। बल्कि जो एग्जैक्ट रीजन है ना, जहां पर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, क्या कारण है उस चीज का, उस चीज से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में देखे भी हैं कि पार्टनर 1 मिनट के लिए कॉल करके ये बात बोलते हैं कि हाँ आपसे मिलना है, और अगले ही पल उनका ऑफ हो जाता है। मतलब वो सिचुएशनल ऑफ हो जाता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, या फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। ये उस तरह की एनर्जीज हैं, बहुत ही इनडिसिसिव एनर्जीज हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत क्लियर एनर्जी है ये, आप अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन पे।
नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझना होगा, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज पर फोकस करना होगा, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना होगा, आपको समझना होगा कि क्यों वो आपके ऊपर इस तरह से स्ट्रेस तो नहीं, यहाँ पे मैं कहूंगी क्यों आपके पार्टनर आपके ऊपर इतना फेथ नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे अपनी बात कह पाए, उसमें क्या ब्लॉकेज है, क्यों वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। इसके लिए आपको या तो कोई गाइडेड जो मैंने रीडिंग बनाई हो वो आप चेक कीजिए, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि आपके पार्टनर क्यों इस थर्ड पार्टी के ऊपर इतना फेथ दिखा रहे हैं और आपके ऊपर उस तरह से वो फेथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई होप आप समझ पाए हों कि आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है, और आप अगर उनसे एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो वो उम्मीद पूरी नहीं होने वाली है। आपको अपने पार्टनर की एक पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ अलग तरह की ब्लॉकेज है, हर किसी के लिए इंडिविजुअल केस में अलग ब्लॉकेज होगी। सो डू बुक योर पर्सनलाइज रीडिंग, मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या कोई और टैरो कार्ड रीडर आपको पसंद है तो आप उनके साथ बुक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अपनी एक पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन कैंडल चूज की है, डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए, आपके पार्टनर आपसे मैसेज या कॉल पर बात करना चाहते हैं, या वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे कि नहीं। लेट्स सी दैट, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। So I have lit up the candle. देखते हैं। Okay. आपके पार्टनर के अंदर इस रिश्ते को लेकर अलग ही जज्बात उमड़ रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैशनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में, और ओवरथिंकिंग की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एक्शन लेने की एनर्जी, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं और वो डेफिनेटली एक एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। आपका रिलेशनशिप एक स्टक सिचुएशन से बाहर की तरफ को निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट लगाए हैं, डेफिनेटली लगाए हैं, जिस चीज का ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। जिन लोगों ने अपना हीलिंग का कुछ करवाया है वो लोग इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये पाइल नंबर 2 ही बनती है। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, और धीरे धीरे अपने पेशेंस से आपने इस रिश्ते को चेंज किया है। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। आपके पार्टनर आप को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं। यहां पर 2 of Wands की एनर्जी नजर आ रही है। आपके पार्टनर पारदर्शिता रख रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और ये रिश्ता धीरे 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 इस हैंग स्टेज से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस रिश्ते ने बहुत सारे पड़ाव देखे हैं। ये रिश्ता एक ऐसी सिचुएशन के अंदर चला गया था जहां पर कहीं ना कहीं आप इस थर्ड पार्टी का 2 मुआ सांप कह सकते हैं। इस तरह से आप दोनों के रिश्ते को खराब किया जा रहा था। शायद ये कोई कॉमन पर्सन था जो कहीं ना कहीं आपको भी जानता था और आपके पार्टनर को भी जानता था, और उस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज में आ गए थे, और इस पर्सन ने शायद किसी ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल भी किया है। जिन लोगों ने इस ब्लैक एनर्जी को ठीक करने के लिए अपने पार्टनर को हील किया है, उन
लोगों के रिश्ते में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे और वो अपनी आप बीती आपसे कहेंगे उनके साथ क्या क्या हुआ, वो ये चीजें आपसे कहेंगे, वो आपको बताएंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं उनको पॉजिटिव इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, आपके पार्टनर अपने जज्बात आपके सामने रखेंगे और बहुत कंप्लीटली रखेंगे, वो बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे थे और वो किस सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश तो करेंगे लेकिन वो टेम्परेरी होगा। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट की फीलिंग के अंदर हैं, और जो ये गिल्ट की फीलिंग है उसकी वजह से आपके पार्टनर ये फील करने वाले हैं कि आप शायद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर फील करेंगे। जिन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं दिया है आपका कम्युनिकेशन भी आपके पार्टनर के साथ होगा लेकिन टेम्परेरी कनेक्शन होगा और आपके पार्टनर दोबारा से उस जोन में चले जाएंगे जहां पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से स्टक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जिन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं दिए हैं आपके पार्टनर इन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये रिलेशनशिप जज्बातों के चलते एक बार करीब आएगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और फिर दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एफर्ट्स दिए हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज है यहाँ पर, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू कि आपके पार्टनर अब जब अपना कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश करेंगे वो कम्युनिकेशन इतना स्टेबल होगा, इतना काम होगा, इतना सूदिंग होगा कि आपको अंदर से कंटेंटमेंट की फीलिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने पार्टनर के हर एक बात पर विश्वास करने लगेंगे और आपको अंदर से भी ये विश्वास होगा कि आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं, आपके पार्टनर के जज्बात आपके लिए सच्चे हैं, इस चीज़ का एहसास आपको होगा और आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। और जिन लोगों ने अपना हीलिंग का कोई प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया, इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डाले हैं, उनके लिए यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी, जो इस रिश्ते के को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी है उसको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, अपने जज्बातों को आपसे कहेंगे लेकिन बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जीज में कहेंगे, ज्यादा स्टेबल एनर्जीज में नहीं कहेंगे, इन आउट होंगे आपके पार्टनर। और आपको ऐसा लगेगा क्यों मेरे पार्टनर एकदम मेरे पास आए, 10 दिन मेरे साथ रहे, मुझसे बात की, मेरे साथ अपने इमोशन शेयर किए और आज फिर उसी जोन में चले गए, तो मैं किस चीज़ के ऊपर यकीन करूं? मैं इस बात के ऊपर यकीन करूं कि मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं या मैं इस बात पे यकीन करूं कि वो इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं? आपके अंदर इस तरह के जज्बात उठेंगे, आपका रिलेशन फिर उसी स्टक सिचुएशन में आ जाएगा। आप जहां पर ये सोच रहे थे कि आप इमोशनली सैटिस्फाइड हो जाएंगे जब आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, आप डेफिनेटली यही सोचेंगे कि आज नहीं तो कल, अब धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन जब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, अचानक से वो कम्युनिकेशन दोबारा से बंद हो जाएंगे। और जिन लोगों ने एफर्ट दिए हैं आप लोग 10 of cups की एनर्जी को एंजॉय करेंगे, आपके पार्टनर आपको स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, वो अपनी बातों से आपको पूरा कन्विंस करेंगे, आप पूरे कन्विंस होके अपने किसी भी बात का आपके दिल दिमाग में कोई शक नहीं होगा और आप फिर अपने पार्टनर से यहाँ पर एक स्ट्रांग कमिटमेंट लेते हुए, उन्हें एक स्ट्रांग कमिटमेंट देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों का, जिन लोगों ने एफर्ट्स दिए हैं, आप दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाएगा, ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ रही है। आप लोगों की लाइफ के अंदर से जिन लोगों ने एफर्ट दिया, अपने रिलेशनशिप को ठीक किया, आप लोगों के बीच में से वो थर्ड पार्टी अपने आप वैनिश हो जाएगी।
आपके पार्टनर खुद आपसे कहेंगे कि वो इस चीज को डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, अब ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर आ जाएंगे और ये जो टूटा हुआ बॉन्ड है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि इसके अंदर ये जो गांठ पड़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में वो भी गायब हो जाएगी। आपके पार्टनर की जो बातें होंगी वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग होंगी कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर होते बहुत खूबसूरती से नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके अंदर से जितने भी डाउट वाली एनर्जीज हैं उसको निकाल देंगे। ये एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर समझ आ रही है। और जिन लोगों ने अपने रिश्ते के ऊपर कोई काम नहीं किया है, जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को हील नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के केस के अंदर जो ये थर्ड पार्टी है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा आपके पार्टनर ब्लैक एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में है कि आपके पार्टनर आपसे बात करते वक्त भी उसी मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहेंगे। वो अपने पुरानी मेमोरीज को याद करेंगे, वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए ही आपको कॉल करेंगे। उनसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो सिर्फ पुरानी बातों को याद करते जा रहे हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे पहले वो बात बहुत कामली होगी और उसके बाद आप दोनों के बीच में एक ब्लेमिंग गेम चलेगी जहां पर वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम करेंगे। आप फिर भी उनकी बात को बहुत पेशेंटली सुनेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर अपने आप उस गिल्ट की एनर्जी में चले जाएंगे कि आप आज भी उनकी बात सुन रहे हैं और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको बैकस्टैब किया। आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप को हील नहीं किया या अपने पार्टनर को हील नहीं किया, अपने पार्टनर को नेगेटिव एनर्जी से नहीं निकाला, आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे, वो आपसे बातें छुपा छुपा कर बात करेंगे। आप उनकी बातों से उस तरह से कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन यू विल बी थैंकफुल कि एटलीस्ट आपके पार्टनर आप तक वापस आए तो हैं। और इस थैंकफुल वाली एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए आप उनकी हर एक बात को सुनते जाएंगे, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जिन्होंने हीलिंग की है, जिन्होंने हीलिंग नहीं की है, कम्युनिकेशन दोनों केसेस में एस्टैब्लिश होने वाला है। लेकिन जिन्होंने अपने पार्टनर को नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकाला है, आपका ये जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा ये टेम्परेरी होगा। तो अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के ऊपर इस तरह से रिलाय मत कीजिएगा कि आप कम्प्लीटली टूट जाएं, ठीक है? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर दोबारा से हैंग पोजीशन में आ जाएंगे, ये रिलेशनशिप दोबारा से हैंग सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक अपनी एनर्जीज के अंदर नहीं है और आप के पार्टनर कुछ एक गिल्ट की एनर्जीज में भी हैं, क्योंकि वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे क्लियरली कह नहीं पाएंगे, तो उनका दम घुटने लगेगा थोड़ा टाइम आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बाद। आप खुश होंगे नो डाउट, लेकिन आपको भी ऐसा लगेगा कि आप उस पार्टनर के साथ नहीं हैं जिस पार्टनर के साथ आपने अपना रिलेशनशिप बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको भी खुशी होगी लेकिन उतनी खुशियां नहीं मिलेंगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। सो जो भी आपको आज तक गाइडेंस मिली है अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को लेकर, प्लीज़ अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को कवर अप कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप ही ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इन आउट सिचुएशन में रहने वाले हैं। और ये नहीं है कि वो एक ही बार आपसे कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करेंगे, वो आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद उनका दम घुटने लगेगा, उसके बाद वो दोबारा आउट होंगे, उसके बाद वो कुछ टाइम तक सोचेंगे, हो सकता है वो इस थर्ड पार्टी की मैनिपुलेटिव एनर्जीज में इतने ज़्यादा चले जाएं कि उनके वापस आने के चांसेस ना हों। अगर वो इतनी ज़्यादा डीप एनर्जीज के अंदर नहीं गए तो वो इस तरह की एनर्जी में होंगे कि वो थोड़ा टाइम आपसे बात करेंगे फिर आउट चले जाएंगे, फिर दोबारा इन होंगे फिर आउट चले जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है इसे हर एक चीज करना पसंद है और आपके पार्टनर को हर एक तरीके से हासिल करना पसंद है। इतनी निगरानी होने के बावजूद भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे। हो सकता है वो आपको कोई मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करें, हो सकता है वो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डिलीट कर दें ताकि आप आगे से कोई क्वेश्चन उनसे पूछें, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फेसबुक पर ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा और बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म ये ऐसा ही रहेगा कि नो कम्युनिकेशन जोन रहेगा। आपके पार्टनर अपने दिल की बातें आपके सामने यहाँ पर क्लियरली रखते हुए नज़र आ रहे हैं और
ये क्लियरली उन लोगों के लिए है जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं. जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू नहीं किया है या अपने पार्टनर के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लिया है, ना मैनिफेस्टेशन की है, ना एफर्मेशंस ट्राई किया है, सिर्फ वक्त का इंतजार किया है, उन लोगों के लिए चीज़ें उस तरह से सही नहीं होंगी. आपके पार्टनर अपनी बातों को कहेंगे तो सही, लेकिन आपको ब्लेम करते हुए, अपनी बातों को छुपाते हुए, उस तरह की यहाँ पर क्लियरली एनर्जी समझ आ रही है, नज़र आ रही है. सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, बट आई एम हैप्पी फॉर यू पीपल कि एटलीस्ट आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पार्टनर का कोई कम्युनिकेशन आपसे बने, तो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली बनता हुआ नज़र आ रहा है. सो दिस इज ऑल फॉर योर रीडिंग. सो नाउ लेट मी टेक अ क्वेश्चन. जो हर एक रीडिंग में मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ. क्वेश्चन है राकेश जाना का. उन्होंने मुझसे ये बात पूछी है कि मैम मेरे पार्टनर शादी के लिए कब बोलेंगे मुझसे. ओके राकेश, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन. देखते हैं आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपसे कब बोलने वाले हैं. लेट्स सी राकेश. तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है. बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है. देखिए राकेश, आप अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल तो डेफिनेटली होंगे. ये पेनफुल एनर्जीज खत्म होंगी, आप विक्टोरियस होंगे. एक्चुअली क्या है, अभी तक आप शायद हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, शायद आपके पार्टनर ने कोई कम्युनिकेशन आपसे एस्टैब्लिश नहीं किया है. बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपसे एक प्रपोजल की वेट कर रहे हैं. आप शायद चीज़ों को एनालाइज करते जा रहे हैं, आपके बीच में उस तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह से अटके हुए हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह से अटके हुए हैं. तो अपने पार्टनर को एक प्रपोजल दीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए. आपके पार्टनर आपकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे, उनके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कीजिए. चीज़ों को एनालाइज मत करते जाइए, आप वक्त पर चीजों को मत छोड़िए. अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन बनाइए, आप डेफिनेटली कमिटमेंट की एनर्जीज में आ जाएंगे. सो आई होप राकेश आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो. तो आई होप जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किए हैं, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू.